सिवनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कवर्धा में हुए 14 वर्ष की नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और धर्मांतरण के मामले में जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उस नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए इसका विरोध प्रदर्शन किया तो समस्त कार्यकर्ताओं को गैर जमानती वारंट लेकर जेल में डाल दिया। इस घटना का विद्यार्थी परिषद ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कवर्धा में हुए 14 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार को लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिवनी नगर द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार भूपेन बघेल का पुतला जलाया जा रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या प्रिंट की व्यवस्था को न्याय नहीं मिलेगा? इतना देर क्यों लगाया जा रहा है उसे न्याय देने में और उसे ही गलत क्यों ठहराया जा रहा है? और तो और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जब संवैधानिक तौर पे इसका विरोध किया तो छत्तीसगढ़ की नकारा सरकार ने उन्हें गैर जमानती वारंट लेकर जेल में डाल दिया, जिसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है। और आज सिवनी नगर द्वारा सरकार का विरोध, छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को पुतला जलाया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।